हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल गाइस। आज मैं आपको बताएंगे कि कोई ऐप अगर इंस्टॉल नहीं हो रही है या डाउनलोड नहीं हो रही है, तो इंस्टॉल पे भी क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए। देखिए, जैसे अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड हो चुकी है। तो अब जब मैं इसे डाउनलोड्स में खोलता हूँ तो ये नहीं खुलती, तो क्या करें दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, आप पहले अपनी सेटिंग्स खोलिए। सेटिंग्स में डाटा यूजेज पे क्लिक कीजिए। डाटा यूजेज पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन है, सर्च के साथ मोर का ऑप्शन है, तो उसको क्लिक करिए। तो इस पर लिखा है रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डाटा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ओके हो गया दोस्तों, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आप वो ऐप पे जाइए। अब डाउनलोड नाउ पे फिर से क्लिक कीजिए। वो डाउनलोड हो रही है और डाउनलोड हो गई। तो अब जब मैं डाउनलोड्स में उसको खोलूँगा तो देखिए कांट ओपन फाइल आ रहा है। पर अगर ये किसी और के मोबाइल में होता है तो मैं उस मोबाइल से इसके अंदर ला सकता हूँ। वैसे तो शेयर इट से ऐसे भी नहीं आ सकता, पर रिस्ट्रिक्ट डाटा इनेबल करके आप शेयर इट से वही ऐप फिर से ला सकते हैं। आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये अभी मैंने लिया है, तो इसमें इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल हो गई, एप्लीकेशन इज बी अनइंस्टॉल, तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे आप रिस्ट्रिक्ट डाटा मोड अनेबल करके किसी भी ऐप को ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।